शुरू करें, थोड़ा सा इधर सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर लीजिए। अनावश्यक जो लोग गेट पे खड़े हैं या तो अंदर आ जाएं या बाहर चले जाएं। इधर जगह खाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोक भवन में जैसा उन्होंने निर्धारित किया था, आज उन्होंने स्वयं भी बैठना प्रारंभ किया है और उन्होंने हम लोगों की टीम 11 की और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी आज लोक भवन में ली। बैठक के क्रम में सर्वप्रथम मैं कुछ पॉजिटिव खबरें देना चाहूंगा। आपको मालूम है कि प्रमुख सचिव चिकित्सा ने आपको बताया था दो दिन पहले कि पीलीभीत में जो है कोरोना फ्री जो एक नॉर्म है SOP, उसके अंतर्गत दो केसेस का पूरा टाइम पूरा होने के बाद नेगेटिविटी आई थी और पीलीभीत भी कोरोना फ्री हो गया है और आगे अभी पीलीभीत से ऐसी कोई संभावना या शिकायत नहीं मिली। इसी के साथ साथ आज ये खबर मिली है कि प्रथम चरण में महाराजगंज में भी जो 6 केसेस थे उनका प्रथम टेस्ट अभी नेगेटिव आया है, अभी द्वितीय टेस्ट कंडक्ट करना बाकी है और ये संभावना है कि महाराजगंज जिला भी जो है वो कोरोना फ्री आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है कि एक और जहां कोरोना पॉजिटिव के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है उस संख्या में बहुत सारे इसमें से जैसा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बता रहे हैं बहुत सारे कोरोना का अपना पूरा समय पूर्ण करके स्वस्थ होकर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाहर आ रहे हैं। उसी तरह हमारे कुछ जनपद भी अब बाहर आना शुरू हो गए हैं जो हमारे प्रदेश के लिए एक पॉजिटिव खबर है। ये सभी DMs और SPs, CMOs उनके सभी अन्य अधिकारियों का परिश्रम है कि ऐसे जनपदों में जहां अच्छा कार्य हो रहा है वहां उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी कि वो मेहनत कर रहे हैं और पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कल आपको रात में बता भी दिया था, मुरादाबाद की घटना के बाद कल रात में ही 17 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उन पर NSA की कार्रवाई के साथ साथ IPC की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई और जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। विजुअल्स हमारे पास प्राप्त है, एक एक व्यक्ति का जो है हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करके कल जेल भेजा है और आगे इस प्रकार का ना हो, उपद्रवी तत्व कोई तोड़फोड़ और नुकसान न कर सकें तो उनसे भरपाई भी की जाएगी, ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई विभिन्न अधिनियमों में जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उसके अंतर्गत की जाएगी। प्रत्येक दशा में सभी हेल्थ टीम्स को सुरक्षा और पुलिस की व्यवस्था मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया और आज पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कुछ जनपदों में नहीं किया गया था, तो ऐसे जनपदों के जिलाधिकारी और वहां के पुलिस अधीक्षक को उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और ये भी सुनिश्चित कराने के लिए कहा है कि जो डोर टू डोर व्यवस्था है वो की जाए, अनावश्यक रूप से जो है किसी रूप में अनावश्यक रूप से कोई मार्केट आदि खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो यह सुनिश्चित करें। होम डिलीवरी को और बल देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पुनः आज समीक्षा की गई, उनको मजबूती से सील करने, वहां के आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबंधित करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, केवल सैनिटाइजेशन और सफाई का स्टाफ
और डोर टू डोर डिलीवरी की टीमों के आवागमन के अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। घर घर एक निर्देश उन्होंने ये भी दिया है, हालांकि कुछ जनपदों में इसको किया गया है, कि सैनिटाइजेशन भी घर घर हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में करें, जिससे डोर टू डोर माइक्रो मैनेजमेंट सुनिश्चित कर लिया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने और जानबूझकर न बताने के लोगों को भी चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। ऐसे लोग जो हॉटस्पॉट या उनके आसपास के हैं और जिन पर संदिग्ध हैं और जो जानबूझकर अपनी सूचना नहीं देते हैं, ऐसे लोगों से कोरोना की संभावना रहती है, वो स्वयं या उनको प्रक्षय देने वाले ऐसे लोग जो उनको छुपा कर रखते हैं या तलाशी करने पर वो अगर पाए जाते हैं, तो ऐसे में न केवल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन संबंधित क्षेत्र के थानेदारों के खिलाफ, पुलिस के जो वहां के प्रभारी निरीक्षक हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई हो गई। ऐसे में कुछ जनपदों में जहां शिकायत मिली है वहां निर्देश दिया गया है कि सख्ती से पुलिस अधिकारी कार्रवाई करें और यदि पुलिस के स्तर पर कहीं थाना स्तर पर लापरवाही है तो ऐसे थानाध्यक्षों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर दी जाए। जो 20 अप्रैल से भारत सरकार के आदेशानुसार विभिन्न गतिविधियों को संचालन अनुमन्य किया जा रहा है, उसका निर्देश अभी जो है आज ही शासन से जारी किया जाएगा। भारत सरकार की व्यवस्था के क्रम में प्रवेश में प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों तथा गतिविधियों के संबंध में सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। प्रत्येक यूनिट की सावधानियां तय की जाएंगी। जो इंडस्ट्रियल यूनिट या जो भी यूनिट्स चालू होंगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक यूनिट में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था रहे और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को अधिकारीगण पढ़ लें तथा कार्य योजना तैयार कर लें, ये निर्देश भी दिए गए हैं। आज चूंकि शासनादेश जारी हो जाएगा और आज से 20 तारीख तक समय है, तो सभी जिले के अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट विशेष रूप से उनके सभी अधिकारी अनुमन्य गतिविधियों के विभिन्न जो है उनके लिए विभिन्न जो निर्देश होंगे उसकी समीक्षा करके सभी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभी शासनादेश जो जारी होंगे उनको सावधानी पूर्वक स्पष्ट तौर पर स्पष्ट आदेश उल्लेख करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। प्रत्येक जनपद के चिन्हित अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सक्षम स्तर से अनुमति के पश्चात ही संचालित होंगी। इमरजेंसी सेवाओं के संचालन के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव प्राथमिकता पर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी अस्पतालों में N95 मास्क, PPE सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। बिना कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण और सुरक्षा उपाय के इमरजेंसी सेवाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के संक्रमण से सुरक्षा के सभी प्रबंध उपलब्ध होंगे और डॉक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मी प्रशिक्षित होंगे, वहीं इमरजेंसी सेवाओं का संचालन अनुमन्य होगा और यह संबंधित को सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन का दायित्व होगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को टेली कंसल्टेंसी अर्थात चिकित्सकीय परामर्श सुविधा भी उपलब्ध कराने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और उसको आज पुनः उन्होंने इसका आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। अस्पताल तथा संस्थागत क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के पश्चात होम क्वारंटाइन हेतु घर भेजे जा रहे सभी लोगों की अपर मुख्य सचिव राजस्व से सूची प्राप्त कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग होगी। अर्थात जो लोग घर जा रहे हैं वो होम क्वारंटाइन में रहे, उनको भी ये सूचित किया जाता है कि वो सावधानी बरतते रहे, जिससे कि उनके हित में भी है, उनके परिवार के हित में भी है और जनरल हित में है कि उनकी मॉनिटरिंग होती रहे। संपूर्ण प्रदेश में मंडी तथा बाजारों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। प्रदेश की सभी मंडियों के खुलने के समय सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से हो। मंडियों में कई जगह शिकायतें मिली हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ रही है,
वहां डीएमएसपी सुबह ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगा दें, मंडी के अधिकारियों को आगाह कर दें कि सुबह सुबह भीड़ न रहे। विभिन्न प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी प्रत्येक फोन कॉल को अटेंड करें, लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए सचेत और संवेदनशील रहे, संबंधित राज्य सरकार के नियमित संपर्क में रहते हुए विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश वासियों की दिक्कत को दूर करें, इस संवेदना के साथ कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। गेहूं क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहे, ये भी निर्देश दिया है। अखबारों में कल गेहूं क्रय केंद्रों के बारे में विवरण आया है। आपको मालूम है कि अब गेहूं का क्रय कल से शुरू हो गया है और कई क्रय केंद्रों पर क्रय कल ही हो गया है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी एमएसपी से नीचे कोई क्रय ना हो। और आज ही संभवतः जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग सोसाइटी एफपीओज है उनके भी आदेश जारी हो जाएंगे, जिसे गांव स्तर पर जो क्रय करना है वो कार्रवाई भी कर ली जाएगी। लॉकडाउन अवधि में जनता की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों संस्थाओं यथा कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नियंत्रण कक्ष संचालित रहे, सुचारू रहे, क्रियाशील रहे, इसकी पूरी सहायता प्रदान करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जाए, ये आदेश भी उन्होंने दिया। कम्युनिटी किचन में आपको मालूम है कि सभी जगह इसका कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं एक जगह लखनऊ में जैसे संदिग्ध व्यक्ति इस कार में आया और उसकी वजह से एक हमको जो है कठिनाई हुई। हम बताने में मुझे खुशी है कि लखनऊ प्रशासन ने जितने 32 लोग उस कम्युनिटी किचन में थे जो कैंट बोर्ड द्वारा संचालित था, उन 32 के 32 लोगों का, जो वहां 3 पुलिस के अधिकारी थे उनका, और जो कैंट के पूरे 50 पुलिस के अधिकारी थे, सबका कल टेस्ट कराकर सबकी नेगेटिव की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तो सदर क्षेत्र में जो कल एक दिक्कत आई थी उसका समाधान जिला पुलिस और जिला प्रशासन ने कर लिया है, लेकिन ये निर्देश पूरे प्रदेश के लिए है कि किसी भी सूरत में किसी भी कम्युनिटी किचन में संदिग्ध लोगों को बिना अनुमति के न दिया जाए। डीएम्स, जिलाधिकारी विशेष सतर्कता बरते। इस आपदा समय में सभी जरूरतमंदों को तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए, यह निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। और जो लोग खाद्यान्न योजना से आच्छादित नहीं है उनको 1,000 रुपए का भरण पोषण जो भत्ता है वो भी देने का निर्देश दिया है। निराश्रित गोवंश एवं अन्य पशुओं के भोजन आदि का समुचित प्रबंध करने का भी और पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पशुओं के उपचार का भी निर्देश उन्होंने दिया है। तो ऐसे में जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में थे मैंने आपको बताया है। मैं ये भी आपको बता दूं कि हर हालत में लॉकडाउन को मजबूती से पालन करना है, ये जिलाधिकारियों को निर्देश है। एक एक जिलाधिकारी, एक एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करके उनके यहाँ लॉकडाउन की अवधि में कार्य जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। लॉकडाउन में जो हॉटस्पॉट है उनका बफर जोन में भी कार्रवाई करने का, यानी लॉकडाउन क्षेत्र से जस्ट बाहर जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग की जो सूचना डीजीपी साहब के यहाँ से आई है उसके अनुसार धारा 188 में अब 19,488 FIR दर्ज करके 60,258 लोगों को नामजद किया है। साथ साथ एक फिगर हम आपको दे दें, कहीं गलती ना रहे आप नोट करें, 17,77,000 वाहनों की चेकिंग कराकर 23,873 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 7,70,00,000 रुपए का शमन शुल्क वसूल हुआ है और अभी तक आवश्यक सेवाओं के लिए 1,57,281 वाहनों को परमिट जारी किया गया। जो कार्रवाई जमाखोरी और कालाबाजारी के अंतर्गत है 424 FIR दर्ज कर दी गई हैं, 534 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं और 187 लोगों को गिरफ्तार किया है। फेक न्यूज के 346 मामले अब तक आए हैं और सब पर जांच के लिए साइबर सेल को निर्देशित कर दिया गया है। कल 16 अप्रैल को 35 मामले, 21 ट्विटर, 13 फेसबुक व व्हाट्सएप का एक मामला आया है। हॉटस्पॉट्स के बारे में हमने आपको बताया, हॉटस्पॉट्स में हमने 3 चरणों में इसको भाग दिया है
और वो तीन चरणों में अब बहुत मजबूती से कार्रवाई हो रही है। और प्रथम चरण में 178 हॉटस्पॉट हैं, द्वितीय चरण में 84 हॉटस्पॉट हैं, और तृतीय चरण में जो जनपद बढ़े हैं उनमें 7 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। तबलीगी जमात पर विशेष रूप से, जैसा मैंने अभी बताया, एक एक व्यक्ति का विवरण लेकर उनके विरुद्ध भी जहां भी कार्रवाई होनी है उस कार्रवाई को करने का निर्देश दिया गया है। और ऐसे लोग जिन पर FIR दर्ज है उनको अस्थाई जेल में रखने का भी निर्देश जिलाधिकारियों को जा रहा है। APC साहब की रिपोर्ट के अनुसार 45,668 वाहनों से डोर टू डोर डिलीवरी करी जा रही है और 34,40,000 लीटर दूध का वितरण, 53,00,000 से अधिक लीटर का उपार्जन, किराना स्टोर 19,309 जो है उनसे वितरण किया जा रहा है, और साथ साथ आज की तारीख में राशन कार्ड जो है उनसे सेकेंड राउंड का वितरण में 46,00,000 का वितरण अब तक हो गया है, जो 3,55,00,000 पूरे राशन कार्ड हैं। मैं चाहूँगा कि प्रमुख सचिव चिकित्सा, क्योंकि उनको जाना है, वो अपना विवरण उपलब्ध करा दे। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 773 है, 773। ये 776 प्रकरण 48 जनपदों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 69 लोग, 69, पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 69 इसमें बस्ती से आगरा के 10, गाजियाबाद के 7, गौतम बुद्ध नगर के 24, लखनऊ के 6, कानपुर के 1, शामली के 1, पीलीभीत के 2, लखीमपुर खीरी 1, मुरादाबाद 1, बरेली 2 और मेरठ के 14 मरीज अभी तक पूर्णतया उपचारित होकर जा चुके हैं। इस संक्रमण से अभी तक 13 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है प्रदेश में। एक जो बड़ी सूचना है वो ये कि बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे पूल टेस्ट की, पूल टेस्ट प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। कल 150 सैंपल्स को 5-5 के 30 पूल बनाकर उसकी टेस्टिंग की गई और वो टेस्टिंग काफ़ी उत्साहवर्धक रही। हम लोगों ने जो आगरा का कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो बफर जोन होता है, उस बफर जोन से हम लोगों ने वो सैंपल्स मंगवाए थे। हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या स्क्रीन करना चाह रहे थे उस एरिया को कि क्या इन्फेक्शन कंटेनमेंट जोन में ही है, उसके बाहर भी गया है। तो जितने भी 30 पूल की जांच की गई सभी निगेटिव प्राप्त हुए हैं। तो ये स्क्रीनिंग के लिए हमारे लिए एक उत्साहवर्धक सूचना है और इससे अब हम उत्साहित होकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में भी पूल टेस्ट को हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। आज से अधिक जनपदों से हम पूल सैंपल्स मंगवा के उसको पूल करवाएंगे और उसकी पूल टेस्टिंग होगी। प्रदेश में जो सैंपलिंग एवं टेस्टिंग हो रही है वो लगातार बढ़ रही है। कल भी 2,615 सैंपल टेस्ट किए गए जबकि 3,000 से ज़्यादा सैंपल लैबोरेटरीज को भेजे गए। तो लगातार लैबोरेटरीज की क्षमता भी बढ़ रही है, लैबोरेटरीज की संख्या भी बढ़ रही है और इसी वजह से हम अब सैंपल को भी ज़्यादा संख्या में कलेक्ट करवाने में सफल हो पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उसको और बढ़ाया जाए। टेस्टिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी जल्दी हम संक्रमण को पहचान जाएंगे, पकड़ लेंगे, उतना ही अच्छा कंटेनमेंट का एक्सरसाइज हो पाता है। आपके माध्यम से मुझे ये बताना है लोगों को और अनुरोध भी करना है कि यदि आपको किसी कोई लक्षण ऐसा दिखाई पड़ता है अपने भीतर या अपने आसपास में किसी पड़ोसी में जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या सूखी खांसी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हों जो लक्षण इसके हैं, तो उनको तत्काल जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ संपर्क करना चाहिए और अन्यथा आप सीधे हमारा जो हेल्पलाइन है उस पर भी आप फोन कर सकते हैं 1800-180-5145।
1800-180-5145, इस पर भी आप सीधे फोन कर सकते हैं और आपके लक्षणों के आधार पर आपको हमारे जो लोग वहाँ कंट्रोल रूम में होते हैं वो आपको बताएंगे, सलाह देंगे कि आपको क्या तत्काल अपनी जांच करवा लेनी चाहिए या कोई घबराने की बात नहीं है, जो भी स्थिति है वो आपको बताएंगे। अगर आप अपनी जांच करा लेंगे तो अगर संक्रमण पाया जाता है तो सरकार की ओर से चिकित्सा की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, और इसमें जो ये बीमारी है इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये एक इन्फेक्शस डिजीज है, किसी को भी हो सकती है। इसलिए मुझे मेरा अनुरोध ये है आपके माध्यम से कि जिनको भी ऐसे लक्षण दिखाई पड़े वो खुद ही सामने आए, नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, सैंपल अपना दें, अपनी जांच करवाएं और अपनी पूरी की पूरी चिकित्सा करवाएं। इससे आप जहां अपना स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर के वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो जहां एक और अपना स्वास्थ्य आप ठीक कर पाएंगे उसी के साथ साथ आप अपने घर वालों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने और परिचितों को बचा भी पाएंगे। क्योंकि अगर आप में लक्षण हैं और आप अगर अपना जांच नहीं करवाते हैं, आप अस्पताल में नहीं जाते हैं, तो उस पीरियड में आप दूसरों को इन्फेक्ट करते रहेंगे, उससे फिर आपके ही घर वालों का, आपके मित्रों का, आपके परिचितों का नुकसान होगा। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जिसको भी ऐसे लक्षण लगें उसको तत्काल हमारे हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए या नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए। एक निर्णय और आज हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा डेथ ऑडिट स्टार्ट किया जाएगा। जो भी इस संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है उनके जो भी ऐसे मामले हैं, मृत्यु के मामले हैं, उनकी पूरी ऑडिटिंग होगी, जिससे कि आगे के प्रकरणों में जो इलाज होना है उससे उसमें मार्गदर्शन मिल सकेगा कि क्या किया जा सकता था या ऐसे मामले जो हुए उसमें क्या करना चाहिए जिससे कि अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ये भी बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। अब तक 15 अप्रैल तक यानी कल तक जो हमारा सर्वेलेंस का वर्क और कंटेनमेंट का एक्सरसाइज चल रहा है उसके अंतर्गत 14.74 लाख घरों का सर्वेक्षण हो चुका है। 14.74 लाख हाउसहोल्ड्स का सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें 72,01,799 लोग उन घरों में हैं जिनका सर्वेक्षण हुआ है, और जिनमें भी लक्षण पाए गए हैं उनको सलाह दी गई है या उनको क्वारंटाइन किया गया है। आज मुझे आपको इतना ही बताना था। इसमें एक चीज बस आपको बता दें जो अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया आपको, पूल टेस्टिंग शुरू करके बफर जोन में आगरा में कार्य हुआ है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जितने आगरा जोन में, आगरा के बफर जोन के पूल टेस्टिंग किए थे वो सब नेगेटिव आ गए। तो बफर जोन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नया, जो पूरे देश में एक नया प्रयोग शुरू किया है पूल टेस्टिंग का, आगरा में उसकी सफलता भी मिल रही है। और जो हॉटस्पॉट्स के अंदर है वहाँ तो टेस्टिंग होगी, हॉटस्पॉट्स के बाहर बफर जोन में 1 या 3 किलोमीटर तक पूल टेस्टिंग की ये जो व्यवस्था है ये भी हमको डबली जो है सुरक्षित करेगी कि कहीं भी बफर जोन में कहीं भी अगर इन्फेक्शन का स्प्रेड होगा तो आप उसको पकड़ सकेंगे। ये पूल टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। बड़ी खबर आप सुन रहे थे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी को, जहां पर वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे थे, शुरुआत जो उन्होंने की, मुरादाबाद में 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में 2 केस ठीक हो गए, संपत्ति भी मुरादाबाद में जिन लोगों ने डॉक्टर्स पे हमला किया उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो बहुत अहम बात अभी थोड़ी देर पहले कही, पूल टेस्ट का जिक्र किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है जहां पर पूल टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी आगरा में, वो सफल रहा है और इसी की तर्ज पर अब पूल टेस्टिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो ताजा आंकड़ा उन्होंने दिया है, 69 लोगों की ठीक हुए हैं, 13 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है, पूल टेस्ट प्रारंभ कर दिए गए हैं, और जो यूनिट, कुछ यूनिट शुरू की जाएंगी
जिसको लेकर आज हो सकता है कि शाम तक जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनमें कंपनीज में यानी यूनिट में अनिवार्य कर दिया जाएगा कि सोशल डिस्टेंस बना रखा जाए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। 125 वर्षों के विश्वास का रिश्ता है हमारा। 10,986 शाखा, 13,284 ATM और 12,000